हेलो हेलो माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भाई बच्चों लास्ट टाइम हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया हमने स्पर्म कैसे प्रोड्यूस हुआ कहाँ प्रोड्यूस हुआ कैसे रिलीज हुआ सीमेन क्या होता है ये सारी चीजें पढ़ी तो नेचुरली वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप अभी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा वी नीड टू अंडरस्टैंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों इसको मैं शॉर्ट में एफ आर एस बुलाऊं तो चलेगा वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एम आर एस बुलाएंगे तो चलेगा एम आर एस एफ आर एस इजी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा इजी पड़ेगा बोलने के लिए तो भाई लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी टाइम पास तो बच्चों यहां पे एक बात ऑब्जर्व करना ये जो एफ आर एस है ये पूरा का पूरा सिस्टम एबडोम के अंदर है मेल में क्या हो रहा था स्क्रोटम इज आउटसाइड द एबडोम पीनिस इज आउटसाइड द पे पूरा सिस्टम अंदर है तो सबसे पहला पॉइंट ऑल द ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे आर द कैविटी कैविटी मतलब क्या स्पेस एबडोम के अंदर का स्पेस सिंपल पॉइंट है आपको पोजिशन आपको लोकेशन समझ में आ गया अभी इसका पार्ट देखते हैं तो चलो दिस इज द एफ आर एस सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है इसमें ओवरी कितनी है दो तो क्या लिखेंगे अ पेयर ऑफ ओवरीज बच्चों एमआरएस में टेस्टीज थे कितने थे दो थे ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं दे प्रोड्यूस द स्पर्म्स दे आर द मेल गैमेट्स एंड टेस्टीज में से हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन वैसे ही यहां पे ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगे एग प्रोड्यूस करेंगे दिख रहा है आपको एग एग का बहुत सारा नाम है बच्चों एग तो बोलोगे इसको आप उसाइट भी बोल सकते हो ओवम भी बोल सकते हो तो आगे चैप्टर में कहीं पे भी एग ओवम उठ ऐसा कुछ भी आता है सेम थिंग हम लोग फीमेल गैमिट का बात कर रहे हैं सिंपल है अच्छा बच्चों ये ओवरी में से फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स भी बनेंगे अभी आपको मैं सिर्फ नाम बता देता हूं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी अंडरस्टैंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है तो अ पेयर ऑफ ओवरीज दैट द एग एंड द फीमेल सेक्स हॉर्मोन सिंपल अच्छा ओवरी के ऊपर आपको दो ट्यूब दिख रहा है कर्व्ड ट्यूब्स आर कॉल्ड द ओवरी इनका एक और नाम है द फैलोपियन ट्यूब्स इनका काम क्या है ये लोग क्या करते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बच्चों ये ओविडक्ट बीच में एक बैग -like को जॉइंट हो रहे हैं बैग इन द मिडल इज कॉल्ड एज यूटरस यूटरस मतलब क्या इट इज दूम जहां पे क्या डेवलप होता है बेबी डेवलप होता है बच्चा डेवलप होता है दैट बैग इज कॉल्ड एज यूटरस सिंपल अभी यूटरस के नीचे आपको एक छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है दैट टाइनी ओपनिंग इज कॉल्ड एज द सर्विक्स कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है वॉट इज सर्विक्स ओपनिंग दैट ओपन इन टू दूटरस यूटरस का ओपनिंग है बस दैट्स इट एंड सर्विक्स के नीचे आपको पूरा ट्यूब दिख रहा है दैट एंटायर ट्यूब इज द वजाइना समझ में आ रही है बात अब ये जो वजाइना है दैट इज द ट्यूब जहां पे सीमेन डिपोजिट होने वाला है आपको याद है सीमेन पीनेस में से रिलीज होता है इजैक्यूलेट होता है एंड वो सीमेन यहां पे वजाइना के अंदर डिपोजिट होगा तो कहना इसे स्पर्म्स यहां पे आ जाएंगे फिर ये स्पर्म्स धीरे 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 स्विमिंग करके ऊपर जाएंगे एंड आगे क्या कहानी होगी क्या स्टोरी होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो यहां तक बेसिक पार्ट समझ में आए चलो एक बार फटा से मेरे को बता दो अ पेयर ऑफ ओवरीज अ पेयर ऑफ अ सिंगल यूट्रस व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस सर्विक्स एंड सर्विक्स के नीचे जो पूरा ट्यूब है दैट इज द वजाइना डंबेल अभी एक बहुत ही नया बात बताने वाला हूं बच्चों ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब आउटवर्ड अपीयरेंस ये एफआरएस बॉडी के बाहर कैसा दिख रहा है उसका बाहर क्या स्ट्रक्चर है नाउ लिसन दिस एंटायर स्ट्रक्चर दैट यू सी इज कॉल्ड एज वल्वा ये पूरा वजाइना नहीं है दिस इज कॉल्ड एज वल्वा वजाइना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वलवा आपको जो ओपनिंग दिख रही है लोअर पार्ट में बॉटम पार्ट में दैट ओपनिंग इज द वजाइनल ओपनिंग एंड दैट ओपनिंग विल कंटिन्यू इन टू वजाइना वजाइना के बाद आएगा सर्विक्स सर्विक्स के बाद आएगा यूट्रस तो वो पूरा ट्यूब अंदर कनेक्टेड है अच्छा दूसरी बात यह वजाइना का लेंथ कितना होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड थ्री टू सिक्स इंच मतलब मान लो एट टू फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग वजाइना रहने वाला है

अभी वजाइनल ओपनिंग के ऊपर आपको एक छोटा ओपनिंग दिख रहा है दैट इज द यूरिथ्रा बच्चों, मेल में यूरिन एंड सीमेन दोनों यूरेथ्रा में से ही बाहर आता है देर इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन बोथ बट यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर यूरिथ्रा का ओपनिंग अलग होता है जहां से यूरिन आने वाला है एंड वजाइना का ओपनिंग अलग होता है जहां पे सीमेन डिपोजिट होने वाला है सिंपल तो व्हाट इज एंटायर स्ट्रक्चर कॉल्ड एस दिस इज वल्वा व्हाट इज वल्वा इट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब आउटवर्ड ऑफ़ एफ़आरएस सिंपल है थोड़ा आगे जाऊं अच्छा तो so, बच्चों इमेजिन करो ये ओवरी है और ओवरी के ऊपर है अब वो ओविडक्ट का जो एंड है लुक लाइक अ फनल तो हम क्या लिखेंगे द फ्री एंड ऑफ ओवीडक्ट इज फनल लाइक एंड उस फनल के ऊपर कैन यू सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये फिम्बरी क्या करता है इसका फंक्शन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी सिर्फ नाम याद रख लो वट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे आर द फिम्बरी नाउ बच्चों ये जो फनल है ना इसके सेंटर में देर इज स्मॉल ओपनिंग तो हम क्या लिखेंगे ज अ ओपनिंग प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फनल ओवीडक्ट का जो फनल है उसमें सेंटर में क्या है एक छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट है तो अब क्या होगा सुनो चलो इमेजिन करो ओवरी के अंदर एग प्रोड्यूस हो गया एग बना ओवम उसे ये एग ओवरी से रिलीज होकर ओवीडक्ट के अंदर जाएगा थ्रू दैट ओपनिंग प्रेजेंट इन द फनल सिंपल है ना भाई तो द ओसाइट विल एंटर ओविडक्ट थ्रू दैट स्मॉल ओपनिंग यहां तक बात समझी अच्छा अभी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चों मेल्स में एक टाइम पे कितने स्पर्म रिलीज होते हैं हमने पढ़ा था 300 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड मिलियन स्पर्म्स इन वन इजैक्यूलेशन आर यू अंडरस्टैंडिंग एक दिन के अंदर 300-400 मिलियन स्पर्म रिलीज हो सकते हैं लेकिन यहां पे उतने सारे एग्स नहीं है एग्स का क्वांटिटी बहुत बहुत लिमिटेड है कितना है एवरी मंथ मंथ में एक बार एक ही एग प्रोड्यूस होता है वन ओवम इज रिलीज इन द एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी मतलब चलो अगर जनवरी चल रहा है तो लेफ्ट ओवरी में एग प्रोड्यूस होगा एंड इट विल बी रिलीज इन ठीक है एक ही बनेगा तो वैसे अगर फेब्रुआरी आया नेक्स्ट मंथ तो राइट ओवरी में एक एग प्रोड्यूस होगा एंड रिलीज होगा इन साइड तो वैसे ही मार्च में लेफ्ट से जाएगा अप्रैल में राइट से जाएगा मे लेफ्ट फिर क्या आता है? जून राइट जुलाई लेफ्ट ऑगस्ट राइट तो ऐसे अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी वन एग विल बी प्रोड्यूस पर मंथ आपको लिमिट समझ रही है वहां कितने स्पर्म थे दिन के एक इजैक्यूलेशन के 300-400 मिलियन यहां पे महीने में एक एग आता है वो भी अल्टरनेटली अरे भाई बात समझ रहे हो कि नहीं यहां तक समझा है तो थोड़ा आगे जाते हैं तो बच्चों अभी मैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं इसका इंपॉर्टेंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में समझेगा लेकिन अभी मेरी बात सुन लो सिर्फ तो यह है ओवरी ओवरी में क्या डेवलप होता है एग डेवलप होता है लेकिन जब एग डेवलप होता है ना तो ओवरी में कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको ये दिख रहा है दो स्ट्रक्चर ये इनको हमने नाम दिया है फॉलिकल क्या बोलना है फॉलिकल फॉलिकल एंड के बीच में जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है एग ठीक है फिर ये फॉलिकल धीरे 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 ग्रो होगा मेच्योर होगा एंड दैट फॉलिकल विल बस्ट फूटेगा तो क्या रिलीज होने वाला है एग तो इसमें याद रखने का इतना ही है बीच में एग होता है ऊपर एक कवरिंग होती है उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे फॉलिकल फॉलिकल ग्रो होता है मेच्योर होता है और फूट जाता है एग इज रिलीज एंड रिलीज होकर कहां जाता है ओविडक्ट के अंदर जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया तो इतना बेसिक दो कंसेप्ट याद रख सकते हो फॉलिकल क्या होता है एंड उसमें से एग रिलीज होने वाला है इतना ठीक है चलो थोड़ा आगे जाते हैं तो बच्चों ये, ओवरी दिख रही है जिसमें से एग रिलीज हुआ फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है दे आर द फिम्बरी अभी फिम्बरी का, का काम क्या है एग को थोड़ा सा पुश करके धक्का मार के ओविडक्ट के अंदर भेजना ठीक है ओविडक्ट के अंदर आपको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड एज सीलिया सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट पूरा ओविडक्ट के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सीलिया एंड ये सीलिया क्या करेगा दे विल पुश द दूसा धीरे धीरे ऊसाइट को धक्का मारेंगे सीलिया ऐसे 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 झूमते रहेगा oocyte को धक्का मार के यूट्रस तक भेजने वाला सिंपल है. है फिर आगे एग का क्या होगा यूट्रस के अंदर ये हम बाद में देखेंगे लेकिन यहां तक आपको पूरी कहानी समझ में आई है एफ आर एस का सारा ऑर्गन सारा स्ट्रक्चर उनका फंक्शन उसका शेप आई होप दिस मच इज क्लियर ओके अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है बहुत ध्यान से सुनना मेल्स में स्पर्म्स कब बनने स्टार्ट होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब जब वो लड़का जब वो मेल 10 टू 14 ईयर्स का हो जाता है 10 टू 14 के बीच में उसका प्यूबर्टी स्टार्ट होगा सेक्सुअल मेच्योरेशन स्टार्ट होता है एंड स्पर्म्स बनने स्टार्ट होते हैं बराबर है एंड ये स्पर्म्स कब तक बनते रहेंगे टिल डेथ मरते दम तक वो लड़का वो मेल स्पर्म्स बनाते रहेगा बट फीमेल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बहुत ध्यान से सुनना वेन अ बेबी गर्ल इज बोर्न उसके ओवरीज में ऑलरेडी रेडीमेड एग्स प्रेजेंट है कितने हैं ध्यान से सुनना एट द टाइम ऑफ बर्थ देर आर टू टू फोर मिलियन टोटल दोनों ओवरीज का मिलाकर टू टू फोर मिलियन इमेच्योर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फीमेल फीटस फीटस मतलब बेबी बच्चों इमेच्योर उच्योर का मतलब आपको बताता हूं ये जो है इनका कंप्लीट हुआ नहीं है आपको पता है ना गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस तो ये जो इमेच्योर कंप्लीट नहीं हुआ है तो कब कंप्लीट होगा कब ये लोग मेच्योर होंगे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी तो ध्यान से सुनना हमने पढ़ा है oocyte will mature and it will be released from the ovary every month. Oocyte mature हुआ मतलब क्या उसका meiosis complete होगा And ये process कब start होने वाली है From the beginning of maturity मतलब puberty. जब वो लड़की जब वो female puberty hit करेगी मतलब when she is 10 to 14 years of age के बीच में उसका puberty start हो जाएगा By the way बच्चों females में puberty is marked बाई द बिगिनिंग ऑफ मैं साइकिल पीरियड आने स्टार्ट होते हैं हमने नाम दिया है मैनार्की मैनार्की मतलब क्या सिंपल सिंपल मैनार्की मतलब बिगिनिंग ऑफ मैंट्रुअल साइकिल एंड यह कब होता है बिटवीन टेन टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज ठीक है तो कहना इसे अभी every month one egg will mature and it will be released from the ovary barabar hai what is maturation completion of meiosis to ye process egg ka jo release ho raha hai ye process marte dam tak chalne wali hai kya females mein nahi it will continue up to the age of menopause मेनोपॉज मतलब दस टॉपेज of menstrual cycle, एक point पे pe periods आने बंद हो जाते हैं egg का maturation, egg release होना बंद हो जाता है एंड उस पॉइंट को बोलते हैं मेनोपॉज एंड मेनोपॉज कब होगा अराउंड अप्रोक्सी फोर्टी फाइव टू फिफ्टी बिगिनिंग ऑफ मेन्स्ट्रल द अपज ऑफ मेनोपॉज मतलब अप टू फोर्टी फाइव इज ऑफ एज तो ड्यूरिंग दिस टाइम मेनर्की से लेके मेनोपॉज कितना एग रिलीज होगा एवरी मंथ एक। तो अप्रोक्सीमेटली फोर हंड्रेड एग्स कैन बी रिलीज ड्यूरिंग दिस पीरियड ये पूरा कहानी समझ में आ रहा है पक्का। तो तो चलो थोड़ा आगे जाते हैं। तो हैं। चलिए इमेजिन करते दिस वुमेन इज नियर द एज ऑफ मेनोपॉज वेरी क्लोज इसका मेनोपॉज बहुत जल्द आने वाला है तो कैन आई से इसका ऊसाइट बहुत ओल्ड है उब बनता है बेबी इज बॉर्न तो एट द एज ऑफ फोर्टी फाइव फिफ्टी उसका फोर्टी फिफ्टी ईयर ओल्ड है आर एज ऑफ मेनोपॉज आर फोर्टी फिफ्टी ईयर ओल्ड ऊसाइट बहुत पुराने हैं ऐसे टाइम पे धेर एबिलिटी ऑफ डिविजन क्या ये जो ऊसाइट है ना उनके अंदर कुछ तो केमिकल लोचा हो गया एंड इनका मियोसिस प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट मियोसिस प्रॉपरली अब याद करना मियोसिस वन में मियोस में भी दो स्टेज होते हैं ना मियोसिस टू मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं यहां पर इस ओसाइट का ओल्ड वाले उ मियोसिस वन होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन बराबर हो पाएगा नहीं एंड अगर वैसे को फर्टिलाइज किया एंड बेबी डेवलप किया तो देर इज अ गुड चांस दैट बेबी माइट सफर फ्रॉम डाउन डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम आर यू अंडरस्टैंडिंग आपको याद है ट्राइजोमी ट्वेंटी फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है उसके ऊपर तीन क्रोमोजोम आ जाते हैं तीन हो जाते हैं ट्राइजोमी ट्वेंटी वन बोलते हैं तो यह हो सकता है अगर दैट ओल्ड ऊ इज फर्टिलाइज यहां तक बात समझी तो दिस वॉज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई होप द लेक्चर वॉज इन्फॉर्मेटिव आपको मजा आया सीखने में आपको बहुत कुछ समझ में आया है एंड इफ यू डिड लाइक द वीडियो प्लीज शेयर करो सब्सक्राइब करो ये मैं हर बार बोलते रहूँगा आप पक जाओगे फिर भी मैं ये बोलते रहूंगा एंड एज यूजल थैंक यू वेरी मच